मेरे पास एक कपड़े का टुकड़ा पड़ा है जिसमें से हम बैग बनाएंगे। तो उसमें अस्तर के लिए कोई भी कपड़ा चलेगा दूसरा, और बीच में ये बैग आप वेस्ट ना डाल सकते हैं। या फिर फोन डाल सकते हैं बीच में, ऐसा पूरी सीट आती है। बैग के लिए ये दो पार्ट तैयार कर लिया है। ऊपर का 13.5 है, नीचे का 17.5 है। और इसको इस तरह से कटिंग करना है, जैसे आपने पहले ये ऐसे रेक्टेंगल किया है, तो पहले फोल्ड कर दीजिए और यहाँ पर 2 इंच छोड़ के क्रॉस में कट कर लीजिए। अब हमें पीछे के भाग में पॉकेट लगाना है अंदर, तो पॉकेट के लिए यहाँ पर बाहर चेन लगाएंगे। तो चेन मैंने 9 इंच का लिया है, 9 इंच का चेन लिया है। और इसके लिए हम कटिंग करेंगे ऐसे फोल्ड करके। 9 इंच का चेन है तो 4.5 इंच यहाँ पर हम कटिंग करेंगे, इस तरह से फोल्ड करके। फिर बीच में से यहां से थोड़ा ऐसे क्रॉस में दो कट करना है, इस तरह और इस तरह। अब हमें चेन लगानी है, उसके लिए पहले हम यहाँ पर सिलाई कर देंगे और फिर चेन लगाएंगे। ये इसमें हम सिलाई कर देंगे। ये सिलाई करके तैयार हो गया है, इसमें अब हम चेन लगाएंगे। ये चेन है, इसको पहले कवर करेंगे। कवर करने के लिए ये जो कपड़ा लिया है उसमें ये उल्टा रख के फिर ऐसे सिलाई लगा देने की। ये हमने चेन को कवर कर लिया है इस तरह से, और अब दूसरी साइड से रनर लगाए। अब ये दूसरी तरफ हम चेन को कवर कर देंगे। अब हम इसमें चेन लगाएंगे इस तरह से, नीचे चेन रख के यहाँ से ऐसे। सिलाई यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये चेन हमने लगा दी है, मगर पॉकेट बनाने के लिए पीछे कपड़ा लगाना पड़ेगा दूसरा। और ये कपड़ा हम ऐसे लगाकर सिलाई कर देंगे।
पीछे का भाग तैयार हो गया है, इसमें अस्तर डाल दिया है। अब हम इसको साइड में सिलाई करेंगे। जैसे ये सीधा रखा है, इसके ऊपर ये उल्टा रख के मिला के यहाँ सिलाई करेंगे दोनों साइड। अब ये दोनों साइड सिलाई होके रेडी हो गया है, इस तरह से हो गया है। अब हम नीचे की साइड में ये लगाएंगे, जो कि 14.5x3 है, नाप लिया है। अब इसको यहाँ से लगाएंगे हम। अब इसमें हम ये बीच में कट कर देंगे, ताकि पता चले कि ये बीच का भाग है, इस तरह से, और ये साइड में भी। और अब हम इसमें ये लगाना शुरू करेंगे इस तरह से। ये जो है, हमने जो कट किया था वो और ये सिलाई दोनों एक साथ आए उस तरह से। चालू करेंगे। ये एक सेट यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, उस तरह से आना चाहिए। अब ये सिलाई हो गई है, अब हम इसको सीधा करेंगे। अब हम इसके बेल्ट के लिए बेल्ट करेंगे। ये दो बेल्ट तैयार कर लिए हैं हमने। इसको हम लगाएंगे इस तरह से। इसमें पहले ये बीच का मैंने निशान कर दिया है, और यहाँ से 5 सेंटीमीटर और यहाँ से 5 सेंटीमीटर ऐसे इस तरह से लगा देंगे। दोनों तरफ ये हमने बेल्ट लगा दिया है दोनों साइड। ये देखिए, अब हमें यहाँ पर चेन लगानी है, और इसके लिए मैंने ये चेन ली है जो 13 इंच की है। ये जो है वो 12 इंच का बचा है, मगर ये लंबी लेनी है, क्योंकि यहाँ से ये थोड़ी बाहर रहेगी। तो ये चेन को हमने कवर कर दिया है इस तरह से, यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हम इसके दोनों तरफ पट्टी लगाएंगे। इसको मैंने अस्तर डाल के तैयार कर दी है दोनों साइड लगाने के लिए। अब ये चेन का ये थोड़ा लंबा है, तो थोड़ा कट करती हूँ। अब हमें पट्टी लगानी है।
इसको आगे कर देते हैं। और यहाँ से हमें थोड़े 1 इंच जैसे बचे तब चेन को इस तरह से करके चेन लगानी, सिलाई लगानी इस तरह से। अब इसको और कर देंगे यहाँ से ऊपर। हमने ये तैयार कर दिया है चेन का। ये जो है 11.5 इंच का है, ये 13 इंच की चेन लगाई और ये भी 11.5 इंच का। अभी हम इसको यहाँ पर लगाना है और इसके लिए हम क्या करेंगे, चेन को ऐसे सीधा ही रखना है और इसके साथ मिला के बीच में जो सिलाई है उसके साथ यहाँ से मिला के शुरू करेंगे। अब इसको उल्टा कर लेंगे। यहाँ जब आए तब हमें चेन को अंदर नहीं लेना है, चेन को अंदर नहीं लेना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, चेन को ऐसे करके मोड़ के फिर सिलाई करेंगे और बीच में थोड़ा गैप रहेगा। इस तरह से चेन को अंदर मोड़ देना है और फिर थोड़ा गैप छोड़ के फिर टर्न लेना है। ये हमने लगा दिया है इस तरह से सिलाई करके। अब हमें ये जो सिलाई दिख रही है उसको कवर करना है। इसके लिए हम ये जो मैंने पूरे पट्टी ली है इसको इससे करेंगे, ऐसे शुरुआत करेंगे। ये हमने सिलाई को कवर कर दिया है पूरे पट्टी से, देख लीजिए इस तरह से। और ये बैग तैयार हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।